समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऐलान करने के बाद सपा को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बिजनौर और बागपत वो 2 सीटें हैं जिन पर आरएलडी चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी से कई दौर की बैठक के बाद ये निर्णय हुआ कि बागपत और बिजनौर पर आरएलडी उतरेगी। बागपत सीट पर राजकुमार सांगवान और बिजनौर की सीट पर चंदन चौहान को उतारने का निर्णय लिया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि जो सुबह से चर्चाएं चल रही थी कि जयंत चौधरी राज्यसभा नहीं छोड़ेंगे और वो आने वाले लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे, वो सच साबित हुआ। लेकिन जो चर्चाएं उनकी पत्नी को लेकर, चारू चौधरी को लेकर चल रही थी, वो गलत साबित हुई है। और बागपत की सीट पर राजकुमार सांगवान जो है वो उम्मीदवार होंगे। राजकुमार सांगवान काफी पुराने पार्टी के कैंडिडेट माने जाते हैं, लगातार वो संगठन से जुड़े रहे हैं, अलग अलग जाति, वो किसी जाति के बंधन में नहीं बंधे हुए, किसी एक जाति के वो नेता नहीं है, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ है और वो लगातार पार्टी के लिए कई सालों से काम करते आ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद लेकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, जिसके बाद आज उन्हें ये फल मिला है और आने वाले लोकसभा चुनाव में राजकुमार सांगवान आरएलडी के सिंबल पर चुनाव में उतरेंगे और आरएलडी के लिए दावा ठोकेंगे। वही बात करें बिजनौर की सीट पर, तो चंदन चौहान गुर्जर के बड़े नेता माने जाते हैं। बिजनौर सीट पर जो गुर्जर वोट बैंक है वो काफी मात्रा में है, इसी को ध्यान में रखते हुए जयंत चौधरी ने उन्हें इस बार मौका दिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो लोगों के बीच जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और अपना दावा ठोकेंगे। वही बात करें जयंत चौधरी और उनकी पार्टी की, तो बीते कई दिनों से लगातार वो सुर्खियों में थे। सुर्खियों में इसलिए थे क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी से उनका कई पिछले चुनाव में गठबंधन था। इस बार भी 7 सीटों पर दोनों पार्टियों ने साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आरएलडी को सपा ने 7 सीटें दी थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह को बीजेपी ने भारत रत्न दिया, जिसके बाद जयंत चौधरी का बयान सामने आया कि अब मैं किस मुंह से बीजेपी को मना करूं। इसके बाद बीजेपी से उन्होंने गठबंधन का ऐलान कर दिया और अब बिजनौर और बागपत 2 सीटों पर आरएलडी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लगातार जयंत चौधरी के बयान सामने आते रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी, उनका भी दर्द कई मौकों पर सामने आया कि जयंत चौधरी को हमने लोकसभा भेजा और उसके बाद भी जयंत चौधरी धोखा देकर बीजेपी के साथ चले गए। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये दोनों प्रत्याशी आरएलडी को क्या 2 सीटें दिला पाते हैं या फिर समाजवादी पार्टी कोई खेला करेगी। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।